हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ममता और मेरे चैनल कुक विद ममता बर्नवाल में आपका स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूं नेनुआ की सब्जी, यानी कि स्पॉन्ज गॉर्ड वेजिटेबल। ये एक बहुत ही हेल्दी वेजिटेबल है जो कि बनाने में भी बहुत आसान है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको मेरे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। नेनुआ की सब्जी बनाने के लिए मैंने गैस ऑन करके पैन बैठा दिया है और उसमें ऑयल भी गर्म होने के लिए डाल दिया। और जैसे ही ऑयल गर्म हुआ है, सबसे पहले मैंने हींग डाला है, ये 2 तेज़पत्ता, 1 टीस्पून जीरा, इनको डालकर थोड़ा फ्राई करेंगे। थोड़ा फ्राई करने के बाद इसमें हम लहसुन, हरी मिर्च, अदरक बारीक कटा हुआ डालेंगे, जिसमें मैंने लहसुन की 11 से 12 कलियां ली हैं और 4 हरी मिर्च लिया है और 2 इंच जिंजर लिया है। इनको लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये लाइट गोल्डन फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम 4 मीडियम साइज़ का ओनियन कटा हुआ डालेंगे। आप प्याज को चाहें तो लॉन्ग शेप में भी कट कर सकते हैं। अब इनको हम फ्राई करेंगे। प्याज को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई करना है। देखिए फ्रेंड्स, प्याज को मैंने इस स्टेज तक फ्राई किया है। अब मैं इसमें 1 स्मॉल टोमेटो डालूंगी, जिसको कि मैंने रफली चॉप्ड कर लिया है। ये मैं 1 बाउल चना दाल डाल रही हूँ, जिसको कि मैंने 10-15 मिनट तक वाटर में सोक्ड करके रखा था। इनको मिला देंगे। अब मैं ये नेनुआ डाल रही हूँ, जिसको कि मैंने लॉन्ग शेप में इस तरह से कट कर लिया है। इसको मैंने छील के फिर वॉश कर लिया था और फिर इसको कट किया था इस तरह से। अब मैंने 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया, ये 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर है, डाल देंगे। ये 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर है, इसको भी ऐड करेंगे। ये 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है, इसको भी डाल देंगे। और ये टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने सॉल्ट लिया है, जिसको कि मैं डाल रही हूँ। और ये पिंक सॉल्ट है फ्रेंड्स, आप इसके जगह पे वाइट सॉल्ट भी डाल सकते हैं। मैं मोस्टली पिंक सॉल्ट ही डालना प्रीफर करती हूँ, क्योंकि ये हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अब इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इन्हें अच्छे से मिक्स करने के बाद इन्हें हम ढककर 10-15 मिनट तक पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे, जिससे ये पानी छोड़ देंगे। 15 मिनट हो गया फ्रेंड्स, अब हम लीड हटाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये सब्जी जो है अपना पानी छोड़ दिया है। जैसा कि आपने देखा, मैंने पानी नहीं डाला था, ये सब्जी का ही जूस है। अब इनको अच्छे से चला देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे इनको, और इस लैडल की हेल्प से इस तरह से सब्जी को प्रेस करेंगे, जिससे कि अच्छे से इसमें मिल जाए और इसका टेक्सचर थोड़ा गाढ़ा हो जाए। ये सब्जी फ्रेंड्स बहुत ही न्यूट्रिशियस होती है और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। अगर आपको इसमें ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें और वाटर ऐड कर सकते हैं, और आपको ग्रेवी नहीं चाहिए तो आप इस वाटर को ड्राई कर सकते हैं। मैं अभी इसमें वाटर को थोड़ा सा और ड्राई करूँगी। इसको 2 मिनट के लिए मैं ढक दूँगी। 2 मिनट हो गए फ्रेंड्स, अब मैंने लीड हटा दिया है और इसको मिक्स कर रही हूँ मैं। अभी देखिए फ्रेंड्स, अब मैं गैस को ऑफ कर दूँगी। अब हमारी ये नेनुए की सब्जी जो है रेडी हो चुकी है, तो मैंने इसे एक प्लेट में निकाल दिया है। तो आप इस तरह से नेनुए की सब्जी घर में ज़रूर बनाएं फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही न्यूट्रिशियस होती है ये। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी फ्रेंड्स। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए और अपने कमेंट में मुझे बताइए। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।